क्या हाल चाल है आप सबका? हाल चाल क्या है बताओ? आप सबका हाल चाल क्या है? अच्छे हो, आनंद में हो कि दुखी हो बताओ? आप सबका क्या हाल चाल है? दुखी हो कि सुखी हो? अगर सुखी हो तो कैसे हो ये बताओ, और दुखी हो तो दुखी कैसे हो ये बताओ। बताओ क्या हाल चाल है। सबका हाल अच्छा हो ये भी जरूरी नहीं है, और सबका हाल बुरा हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो या तो ये बोलो, थोड़े अच्छे हैं थोड़े बुरे हैं, थोड़े दुखी हैं तो थोड़े सुखी हैं, थोड़ा हाल अच्छा है तो थोड़ा हाल बुरा है, ऐसा बोलो। और अच्छा अगर हाल है तो बोलो कि हमारा हाल अच्छा है। बताओ क्या हाल है? या तो ये बोलो कि न अच्छा है न बुरा है, बीच का हाल है, या ये बोलो। तो शरीर जो है उसका हाल अगर अच्छा मानते हो तो ये गारंटी नहीं है कि सदा ये हाल अच्छा रहेगा। आप अगर शरीर को लेके बोलते हो कि हमारा हाल अच्छा है, तो आपके पास ये गारंटी है क्या कि आपका जो शरीर का हाल अच्छा है वो सदा ही रहेगा, बुरा नहीं होगा? ऐसा गारंटी कोई नहीं दे सकता है। और अगर गारंटी देता है तो वो मूर्ख है, वो समझदार नहीं है। और अगर वो गारंटी देता है तो उसकी गारंटी की कोई कीमत भी नहीं है। बराबर? अच्छे से अच्छा हाल ब्रह्मवेत्ता का होता है। अगर आपका हाल अच्छा है तो भी आपको संत दर्शन की जरूरत है, और अगर आपका बुरा हाल है तो भी सत्संग की जरूरत है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अच्छा हाल है तो भी आवश्यक है सत्संग, बुरा हाल है तो भी आवश्यक है सत्संग। क्योंकि सत्संग किया ही इसलिए हो जाता है कि हमारा जो बेहाल है वो मिट जाए और हमारा अच्छा हाल हो जाए। सत्संग इसीलिए है। जिसका धन से बेहाल है उसको सत्संग में कैसे धनवान बनना, वो बात भी मिलती है। ठीक है? और जिसकी बुद्धि मंद है उसकी बुद्धि कैसे विकसित हो जाए, ये बात भी सत्संग में मिलती है। महिलाओं की बात भी सत्संग में मिलती है, बच्चों की बात भी सत्संग में मिलती है, बड़ों की बात भी सत्संग में मिलती है। और किसानों के काम की बात भी सत्संग में मिलती है कि अंग्रेजी बबूल और नीलगिरी नहीं होना चाहिए तुम्हारे खेत में। वो जो शिव मंदिर बना रहे हो आप, खूब इस बात का प्रचार करो, अंग्रेजी बबूल और नीलगिरी बहुत नुकसान कारक है। अखबारों में दो, अंग्रेजी बबूल और नीलगिरी के ऊपर चींटी नहीं चढ़ती, देखी क्या तुमने? मकोड़ा नहीं चढ़ेगा, चींटी नहीं चढ़ेगी, उसके नीचे चींटी अपना घर नहीं बनाती है। बोलो। तो जो चींटी को भी नहीं चढ़ने देता तो मनुष्यों के लिए कैसे फायदा करेगा? ये बरसात खींच लेती है,
नीलगिरी जमीन को फालतू बना देती है, बंजर बना देती है, नाकाम बना देती है, ऐसा है। राक्षस है, राक्षस पेड़ों में ये दो बड़े राक्षस हैं, एक नीलगिरी एक अंग्रेजी बबूल, ये राक्षस है। जहां देखो वहां काटो, और जिनके खेत में हो उनको भी कटवाओ जल्दी से जल्दी, ये काम होना चाहिए। और बारिश आ गई है, आंवले लगाओ, आंवले आम लगाओ, पीपल लगाओ, बड़ लगाओ, ये अच्छे वृक्ष हैं, सात्विक हैं, इससे जनता का कल्याण होता है, ऐसे वृक्ष हैं, ये काम करना चाहिए। जंगल कट रहे हैं, लगाने वाले हैं नहीं। सरकारी कागजों में रिकॉर्ड में देखो तो जंगल है, और इस स्थल पे जाको देखो तो एक भी पेड़ नहीं है। ऐसी 2,500 बीघा जमीन में देखिए, अपना आश्रम है कलीपुरा है कि नहीं है, उसके नदी के ठीक सामने 2,500 बीघा जमीन वन विभाग की है, जाके देखो तो एक भी पेड़ नहीं है उसके ऊपर। आप में से कईयों ने देखा है, ये तो एक जगह ऐसे, कईयों जगह ऐसा है। हम हमारा सोचते हैं, बच्चों का नहीं सोचते हैं, उसके बाद क्या होगा ये नहीं सोचते हैं, भविष्य का नहीं सोचते हैं, इसलिए दुख बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफ बढ़ती जा रही है। और समाज में सुखी दिखते हैं तो कैसे सुखी दिखते हैं, कि अपने ही हाथ से अपने ही गाल पे थप्पड़ मार के गाल लाल करके सुखी हैं, ऐसा दिखाते हैं नहीं। जैसे अपने पेट के ऊपर खीर का कोई लेप कर दे और कहे कि मैंने तो खूब भोजन किया, खूब खीर खाई, तो पेट के ऊपर भोजन का लेप करने से भूख नहीं मिटती है, मिटती है क्या? ये आम पड़ा है, आम को घोल के इसका रस निकाल के पेट के ऊपर लेप करने से आम से तृप्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसको घोलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मुंह पे लगाओ चूसो तब इसका रस जाता है, नहीं तो काट के खाओ, ठीक है कि नहीं? और इसकी चीरी को जीभ पे लगाओ तो स्वाद आएगा, बगल में लगाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, इधर लगाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, ठोड़ी पे लगाओगे तो स्वाद नहीं आएगा, नाप के लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, शरीर के किसी अंग में लगा लो, स्वाद आएगा क्या? इसका स्वाद कहाँ आएगा? मुंह में आएगा, जीभ में आएगा। ऐसे ही भगवान है, ऐसा स्वाद आता है, वो कहाँ आएगा? कि हृदय में आनंद आता है वो स्वाद है।